हेलो गाइस, सो आज मैं आप सबके सामने खोल रही हूँ ये PSC का HD लिक्विड फाउंडेशन, एंड जो मैं अभी कुछ टाइम पहले इसको लेके आई थी, एंड जस्ट एक मास्टरपीस है ये। इसकी जो पैकेजिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ, एंड जस्ट लुक एट दिस। एंड माई शेड इज़ 2.5, मैं मैक NC 35 हूँ, सो उस हिसाब से ये 2.5 का शेड मेरे लिए परफेक्ट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है इस फाउंडेशन की, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, शेड्स आते हैं, एंड इसका जो ओपनिंग है ना, देखिए यहाँ से है, जस्ट इसको यहाँ से हमने ओपन किया, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटीफुल सी बॉटल है ये, आई जस्ट लव द पैकेजिंग। सो अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा HD लिक्विड फाउंडेशन है तो बहुत कम लगने वाला है, सो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, एंड इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने फिंगर्स पे, पाम्स पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने इस पे इसको स्पैचुला से लेके इसको एक्टिवेट कर लिया। नाउ अब मैं जो फाउंडेशन है ना, डॉट 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 करके लगाने वाली हूँ अपने हाथों से, फिंगर से। मुझे बहुत कन्वीनियंट एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, एंड कई बार मैं इवन इसको अपने क्लाइंट्स पे भी इस तरीके से करती हूँ। एंड इफ़ कभी कभी मैं इसको एप्लीकेटर से भी लगाती हूँ, बट ये डॉट्स वाला ना जस्ट वर्क। मुझे ना छोटा सा यहाँ पे पिंपल हो गया ऑन लिप्स, अगर आपको दिख रहा हो वाइट हुई तो ये पस टाइप सा हो गया, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों लिप्स पे भी ऐसे तरह के पिंपल्स निकल आते हैं। एंड चलिए अब हमने फाउंडेशन जो है ना उसको अप्लाई कर लिया है, एंड वो पूरा पड़ा जितना मैंने निकाला था, पूरा ही पड़ा मुझे, ना ज़्यादा ना कम। सो अब मैं इसको विद द हेल्प ऑफ द ब्रश मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंडिंग में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, आई गिव टाइम टू ब्लेंडिंग, क्योंकि ब्लेंडिंग करने से अच्छे से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो मैं इसके शेड्स की बात कर रही थी, शेड्स जो है ना इसके काफ़ी सारे आते हैं, लाइक 1 से लेकर 5 तक जाता है इसका नंबर, एंड जो 1 है वो वेरी फेयर के लिए है, 2 है वो मीडियम टू फेयर स्किन टोन तक के लिए आता है, 3 आता है थोड़ा सा मीडियम टू डस्की, एंड देन 4 आता है डस्की, एंड 5 लाइक नीग्रो तक चला जाता है। सो काफ़ी सारे शेड से बहुत मुश्किल हो जाता है इसको पहचानना, तो मैंने तो PSC के स्टोर पे गई थी एंड देन उनसे पूछा था, देन उनके रिकमेंडेशन से मैंने 2.5 वाला शेड लिया, सो जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। एंड मैं इसको विद हेल्प ऑफ ब्रश कर चुकी हूँ ब्लेंड, एंड जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो है PSC का, एंड मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है। वेल, अभी मैं जा रही हूँ मूवी दृश्यम पे, एंड उसके बाद मैं रिजल्ट आपको बताती हूँ। सो मैं आ चुकी हूँ मूवी से, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 7 आवर्स मैं बाहर थी मूवी, एंड यू नो बाहर घूमने गए थे। सो अब जो इसका रिजल्ट है ना, आई फील रियली लाइट, जैसे मैंने कुछ लगाया ही नहीं हो फेस पे, इट्स सो लाइट, जस्ट एक सेकेंड सी लेयर लग रही है हल्की सी, एंड यार बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। मतलब रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग सो गुड यार, आई जस्ट लव दिस। इसको मैं 10 में से 10 दूंगी, आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। एंड ये फाउंडेशन यू नो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इवन प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स HD फाउंडेशन आफ्टर ऑल, एंड PSC इट्स वाओ एवरीथिंग में। अच्छा सर, होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है देन जस्ट कमेंट मी डाउन बिलो कि आपने ये फाउंडेशन यूज़ किया है क्या, एंड ये आपको कैसा लगा। अगर आपने यूज़ किया है तो आप कौन सा शेड यूज़ कर सकते हैं मुझे वो भी बता सकते हैं। मेरा तो 2.5 है, एंड लाइक ये काफ़ी ज़्यादा स्किन टोन्स पे मैच हो जाएगा। सो आई रियली होप आपको ये शॉर्ट सा रिव्यू बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, एंड इफ यस डू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो।